हेलो फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी यानी RRC 01/2019 रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट। जो भी ग्रुप डी की वैकेंसी निकली थी 1 लाख, उनका एप्लीकेशन स्टेटस जारी हो चुका है और कैसे वो अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करें वो सभी डिटेल मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारा जो भी नया वीडियो आए आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। हमारे इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ामों की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचाई जाती है। तो कैसे चेक करें अपने स्टेटस? आपको अपने स्टेटस चेक करने के लिए आपके पास अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, और उसके बाद आपके पास सिक्योरिटी कोड होना, ये सिक्योरिटी कोड आएगा। वो सभी डिटेल जानने के बाद आप, जैसे कि आप सबसे पहले ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जहाँ पर आप सभी जोन की देख सकते हैं। सेंट्रल रेलवे मुंबई, ईस्टर्न कोस्टल, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद, नॉर्थ ईस्टर्न, आपने जिस भी जोन से लगाया है, कोई जिस भी RRC से, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे न्यू दिल्ली, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, साउथ वेस्ट साउथर्न रेलवे चेन्नई, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, और वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर, और वेस्टर्न रेलवे मुंबई। आपने जिस भी फॉरम से अप्लाई किया, जिस भी जोन से, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको स्टेटस दिखा रहा हूँ, रेलवे RRC मुंबई का स्टेटस मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि चेक कैसे करें। ऐसी डिटेल आने के बाद आपको अपनी लॉगिन डिटेल भरनी है। लॉगिन डिटेल में जैसे कि आपको भर देता हूँ, लॉगिन डिटेल करने के बाद आपको अपनी डिटेल भरनी है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद जैसे कि आपको कैप्चा कोड डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिखा देगा कि क्या आपका एप्लीकेशन स्टेटस है। ये जैसे कि आपको यहाँ पर आपको आ चुका है करंट स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन नंबर, योर एप्लीकेशन प्रोविजनल एक्सेप्टेड, तो नेम आ गया, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से जाकर आप इसकी लिंक से अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।